नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं 7 न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कला क्रीड़ा वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव की लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले उद्घाटन की हमने कवरेज दिखाई आपको, उसके बाद रंगोली, जो अद्भुत रंगोली यहाँ बनाई गई कला विभाग में, वो दिखाई। अब आए हम क्रीड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड पर, जहाँ क्रीड़ा क्षेत्र में आप देख सकते हो, यहाँ फुटबॉल, कहीं पे फुटबॉल, कहीं पे कबड्डी, कहीं पे वॉलीबॉल, अलग अलग तरह के मैचेस यहाँ शुरू है। आज कला क्रीड़ा महोत्सव का दूसरा दिन है, साथ ही साथ रंगमंच पर आप तस्वीरों में विजुअल में देख सकते हैं, रंगमंच पर अलग अलग तरह के फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव जो पिछले 33 सालों से चलता आ रहा है, उसकी जो ख्याति है वो ऐसे ही नहीं है, और यही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव की जो ख्याति है, उसके पीछे का कारण, जो लोकप्रियता है, 60,000 पार्टिसिपेट ने भी इसमें हिस्सा लिया, उसके पीछे का कारण यही है कि यहाँ आपको हर चीज़ का मिश्रण मिलेगा। एक तरफ कला है तो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स है, तो तीसरी तरफ सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं इस मिश्रण से वसई तालुका पूरा इन 6 जिलों में उत्साह से भरा हुआ है। आप यहाँ तस्वीरों में विजुअल में देख सकते हैं कितनी भीड़ है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कार्यक्रम की क्या खूबियाँ है। जहाँ 60,000 पार्टिसिपेटर है, उनको देखने यहाँ हजारों लोग, बल्कि अगर ऐसा कहा जाए कि टप्पे टप्पे में लाखों लोग दिन भर में यहाँ आकर इसका मुआयना कर रहे हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं कला क्रीड़ा महोत्सव जारी है, अगले 4 दिनों तक और जारी रहेगा। 31 तारीख को जब साल का दिन, आखिरी दिन ख़त्म होगा और नई शुरुआत होगी, नए साल की शुरुआत होगी, तब यह कला क्रीड़ा महोत्सव समाप्त होगा। और हम इसके आगे और भी कोशिश करेंगे अपडेट आने के लिए। अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। सनपत राघव रे, सनपत राघव हे कथा आहे, हे कथा कथेपासून जे टायमाने रामाने हे बाण फेकला था, ते टायमाला हे बाण फेकले बरोबर ते गायचे बसला, गाय पडून गेली, पडले बरोबर मग तेथून हे याचा सर नाव ठेवला सरबूट, असा बोलायला लागला न लागला म। क्या नाम है आपका? अमन सिंह। आप ये इस तरह का जो वेशभूषा बनाए, क्या इसका मकसद है और क्या एक इस पे आपका संदेश है? ये एक्चुअली इस पे ना कोई मकसद है ना संदेश है, मकसद तो एक ही है कि लोगों को अट्रैक्ट करे हमारे एनिमेशन, जो हम इधर इंस्टीट्यूट है जिधर हमारा स्टडीज है, और ये बस एक छोटा सा कॉस्प्ले है, ये कॉस्प्ले बस एक कैरेक्टर है ऐसा, तो उसको मैंने डब किया और ये उसके जैसा थोड़ा मेकअप किया, दैट्स इट। मैडम क्या नाम आपका? रूपाली खवणेकर। ये आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है, क्या? वेदा एनिमेशन इंस्टीट्यूट है हमारा, हम लोग बेसिकली एनिमेशन में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली 12th के बाद आप जनरली एनिमेशन में डिग्री कोर्स करते हैं, 10th के बाद जिन बच्चों को एनिमेशन फील्ड में इंटरेस्ट है वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं, एंड जिनको नॉर्मल डिग्री नहीं करनी है आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में, वो बच्चे जिनको आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्रिएटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो बच्चे एनिमेशन में डिग्री ले सकते हैं। सो हम लोग ये 3 साल का डिग्री प्रोग्राम रन करते हैं, एंड ये कोई भी फील्ड की स्ट्रीम, आप अगर हो आर्ट्स के बच्चे हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 12th। इसके लिए थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह का एनिमेशन आप बनाते हैं? सो बेसिकली हम ग्राफिक डिज़ाइन,
2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, VFX, वेब डिज़ाइन, ड्राइंग, स्केचिंग, ये जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम कवर करते हैं 3 साल। I guys with me. माझा आवाज पोहोचतोय का नाही पोहोचत आहे माहित आता माहित पोहोचतोय. I like that. या साईडची पब्लिक, I like that. Super. Let's try this one more time together. All right. कसं काय? वसई विराची पब्लिक. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।